हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। मैं हूँ धीरे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ टेक्निकल टॉक्स के नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे लेटेस्ट टेक न्यूज, जो दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक कर देना, ज्यादा शेयर कर देना, और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, घंटे के निशान को दबा दे ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पे व्हाट्सएप की नई पॉलिसी की। बात करें व्हाट्सएप की पॉलिसी की, तो जैसा कि आपको सबको पता है कि उसकी डेट बढ़कर अब 15 मई तक हो गई। मतलब 15 मई तक आपको एक्सेप्ट करनी है, नहीं तो आप व्हाट्सएप वहां पे यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसको लेकर बहुत बड़ी न्यूज आई है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी को लेकर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI ने यहाँ पे जांच के आदेश दे दिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे CCI ने व्हाट्सएप को एंटी ट्रस्ट जो लॉ है उसका उल्लंघन का आरोपी माना है, और यहाँ पे CCI ने क्लियर कर दिया कि पॉलिसी अपडेट के नाम पर यहाँ पे व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के डेटा के साथ छेड़खानी की है। उनकी एक तरह से प्राइवेसी को यहाँ पे खतरा हो गया है, क्योंकि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो डेटा जगह जगह शेयर करेंगी, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ पे CCI ने ये भी क्लियर कर दिया कि दूसरे किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आप अपने यूजर्स का डेटा शेयर कर रहे हो तो बिल्कुल गलत है। तो ऐसे में यहाँ पे CCI यहाँ पे जांच करेगी, देखते हैं उसका क्या नतीजा रहता है। दोस्तों नेक्स्ट जो न्यूज निकल के आ रही है वो आ रही है YouTube की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जितने भी YouTube पे कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके कंटेंट पे अब डिसलाइक का बटन बिल्कुल वहां से नहीं दिखेगा। मतलब ये नहीं दिखेगा कितने डिसलाइक है, लाइक जरूर दिखेंगे लेकिन डिसलाइक नहीं दिखेंगे। दरअसल बात करें यहाँ पे तो कंपनी ने क्या किया है, क्रिएटर से एक फीडबैक लिया था, उसके बाद में यहाँ पे ये करने जा रही है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जैसे कोई लाइक करोगे आप तो वहां वो तो शो हो जाएगा, लेकिन जो डिसलाइक काउंट होता है वो वहां पे नहीं रहेगा, केवल एक बटन वहां पे रहेगा। तो दोस्तों इसको लेकर भी काफी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि यार कभी किसी भी वीडियो को हम देखते हैं और पसंद आता है तो हम उसको लाइक कर देते हैं, लेकिन हम डिसलाइक करते हैं अगर वो हमको नहीं पसंद आता तो वो भी यहाँ पे शो होना चाहिए। खैर दोस्तों आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, YouTube पे जो भी वीडियोस आते हैं उसके नीचे डिसलाइक अब काउंट नहीं होंगे, आप क्या सोचते हैं, क्या YouTube ने सही किया है गलत किया, जो भी आप सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट जो अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है सेमीकंडक्टर को लेकर। आप जानते हैं कि भारत के अंदर जितने भी अभी आप देखेंगे, जैसे मोबाइल पार्ट्स ले लो, जो भी मोबाइल से उनके पार्ट्स ले लो, सब अधिकतर चाइना से यहाँ पे इंपोर्ट किए जाते हैं, उसके बाद में यहाँ पे उनको असेंबल करके बना दिया जाता है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर की बात करें वो भी चाइना से इधर से ही आते हैं। तो ऐसे के अंदर भारत ने एक नया प्लान किया है, अब वो चाह रहा है कि सेमीकंडक्टर की जो डिवाइस जो बनाने की यूनिट्स है कंपनी वो यहाँ पे लगाए और इंडिया में मैन्युफैक्चर हो, उसके बाद में अदर कंट्रीज में सप्लाई करें। और इसीलिए भारत सेमीकंडक्टर बनाने वाली हर कंपनी को $1 बिलियन करीब 7300 करोड़ 7300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कैश दे रहा है। और अभी देखें तो वर्ल्ड में सभी कंट्रीज की लगभग जो निर्भरता डिपेंडेंसी है वो चाइना के ऊपर है। तो ऐसे में भारत चाहता है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब बने और जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है ये, इसके अलावा बात करें यहाँ पे CCTV कैमरे से लेकर 5G इक्विपमेंट तक यहीं पे बनाए जाए, इसी वजह से इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया जा रहा है। दोस्तों नेक्स्ट जो अपडेट निकल के आ रही है वो रही पबजी से रिलेटेड। जी दोस्तों पबजी मोबाइल का कंटिन्यू यहाँ पे इंडिया में वेट किया जा रहा है। ऐसे में काफी सारे गेमर्स ऐसे हैं जो यहाँ पे पबजी KR वर्जन खेल रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ पे कंपनी ने झटका दे दिया है। अगर बात करें यहाँ पे जेम वायर की, तो उसके अकॉर्डिंग 30 जून 2021 तक ही यहाँ पे PUBG KR का यूज किया जा सकेगा, उसके बाद में PUBG KR बिल्कुल भी काम करना यहाँ पे बंद कर देगा। इसके अलावा बात करें अदर कंट्रीज में, तो यहाँ पे 1 मई 2021 से प्लेयर्स अपना अकाउंट जो भी KR का है वो यूज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा बात करें पबजी मोबाइल इंडिया की, तो लगातार यहाँ पे पबजी मोबाइल का वेट किया जा रहा है, और ऐसे में बिल्कुल ये कंफर्म हो चुका है कि अब यहाँ पे सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है, और ऐसे में हमको अप्रैल और मई फर्स्ट वीक तक यहाँ पे पबजी मोबाइल वापस देखने को मिलेगा। खैर अगर आप एक पबजी लवर है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप दूसरे किसी गेम पे स्विच हो गए और अब आपने उम्मीद छोड़ दी पबजी के आने की तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो वो निकल के रही है यहाँ पे पैन कार्ड से जो आधार कार्ड को लिंक करने की कल लास्ट डेट थी, तो उसको यहाँ पे इनकम टैक्स की जो वेबसाइट थी वहां पे जाके उसको लिंक करना था, इजी प्रोसेस था। उसको लेकर जैसे ही शुरुआत हुई सुबह तो सबने वहां पे लिंक करना चालू कर दिया, प्रोसेस करना, लेकिन सुबह के बाद में अचानक से वेबसाइट ने काम करना बंद कर दिया, इतना ज्यादा सर्वर पे लोड आ गया कि वो वेबसाइट बिल्कुल क्रैश हो गई। ऐसे में ट्विटर पे लोगों ने एक के बाद एक इतने सारे ट्वीट कर दिए और उन्होंने इनकम टैक्स इंडिया ई-फाइलिंग की जो वेबसाइट है उसको लेकर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि मैं बताऊं कि क्रैश हो गई थी क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पे सर्वर पे लोड आ गया था। और एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि 31 मार्च तक जिसने भी यहाँ पे आधार को अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं किया उनपे 1000 रुपीज तक का फाइन लग सकता है, ऐसा भी कहा गया था।
इसमें देखते हैं सरकार यहाँ पे क्या डिसीजन लेती है। खैर आप बताइए, क्या आपने अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दिया? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, या आप भी वेट करें यहाँ पे डेट बढ़ने का। तो दोस्तों ये थी कुछ टेक न्यूज जो निकल के आ रही थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना। वो चैनल पे नया सब्सक्राइब नहीं किया तो जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर दो, घंटी के निशान को दबा दो ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज के वीडियो में तय, मिलते अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।